नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों, आप सब राजी खुशी होंगे, फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे, भगवान आपको सलामत रखे। और आज दोस्तों थोड़ी सी एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर के बारे में बातचीत करेंगे। आप अपने टेरेस पे इसको लगा के आप इसके फल पहले साल में ही खा सकते हैं और बड़ी अच्छी मात्रा में इस पर फूल आते हैं। मेरे पास ये 3 पौधे लगे हुए हैं। ये पहला पौधा है, इसकी हाइट 8 फुट से ऊपर है। और ये दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसको बांस का सहारा देना पड़ता है, नहीं तो ये गिर जाती है। और इधर दूर से दिखाना पड़ेगा, ये तीसरा पौधा है मेरा। तो इस तरह ये 3 पौधे लगा रखे हैं मैंने अपने टेरेस के ऊपर। और दोस्तों, ये सितंबर के महीने में इस पे फूल आ जाती है। और आज 27 सितंबर है और इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में फूल आने शुरू हो रहे हैं। इतने ज़्यादा फूल आ रहे हैं, लदा पड़ा फूलों से इस समय। ये आप इनके फूलों की मात्रा देख रहे हैं। तो दोस्तों, पहले ही साल इस पे फल लग जाता है और सितंबर अक्टूबर में इस पे फूल पूरी तरह से आ जाते हैं। और अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरुआत में इन पे फल बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये पौधे मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। कुछ पौधे मेरे, 3-4 पौधे मेरे ख़राब भी हो गए थे, मर गए थे। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये 16 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। मेरे ज़्यादातर सारे पौधे 16 इंच के पॉट में लगे हैं और ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और 16 इंच के पॉट में आप इसके पौधे लगा के अच्छी तरह इसके पहले साल में इसके फल ले सकते हैं। और जनवरी फरवरी के अंदर इसके फल पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और मार्च के बाद फिर इसकी पौधे की कटाई शुरू कर देते हैं। तो कटाई का तो बाद का वीडियो बनाएंगे जब इसके फल आने के बाद करेंगे, लेकिन जो जानकारी है जितनी है मेरे पास वो आपको मैं देने लग रहा हूँ। तो ऑनलाइन पौधे ये 100-100 रुपए के पौधे आए थे और इतना ही कुरियर चार्ज लग गया था। तो आप भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन पौधे घर बैठे हुए और लगा सकते हैं पौधे दोस्तों। बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है ये लगाना और कोई ख़ास इस पर केयर भी नहीं करनी पड़ती। किसी भी मिट्टी के अंदर ये बहुत ही आसानी के साथ लग जाता है और ज़्यादा इसके ऊपर केयर भी नहीं करनी पड़ती दोस्तों। इसको महीने 2 महीने में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालते रहो तो और बढ़िया इसके ऊपर फूल आते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह के एप्पल बेर का पौधा लगाना कितना आसान है। बड़ी आसानी से लग जाता है, हर मिट्टी के अंदर लग जाता है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। और इन 3 पौधों ने सारी मेरी जो 15-16 पौधे हैं उनको पूरी तरह ढक रखा है, वहाँ तक आगे मेरे को पहुँचने ही नहीं देते ये पौधे। जो मैं अपने नींबू शीबू के पौधे आपको दिखा सकूं जो मेरे लगे हुए हैं, अनार या नींबू या संतरा, इस तरह के पौधे मैं आपको दिखा सकूं। और अमरूद के पौधे आपको दिखा सकूं जिस पे अमरूद आने लग रहे हैं ताइवान के ऊपर। तो हम तो आज सिर्फ एप्पल बेर के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये रेड कश्मीरी एप्पल बेर के पौधे हैं, इस पे लाल और बहुत ही मीठा बेर आता है। और छत के ऊपर आप इस
पौधों को लगा के अच्छे फल ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए दोस्तों आपसे विदा चाहूँगा, और आने वाले टाइम में जब इस पर फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा फिर इसकी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कितने अच्छे ज़बरदस्त फ्लावरिंग आ रहे हैं। और कोई किस्म की जानकारी अगर आपने ले ली हो दोस्तों तो मेरे से आप फ़ोन पे बातचीत कर लें। फ़ोन का नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और हर एक का फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ मैं। किसी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी का फ़ोन ना अटेंड कराऊँ, सबका मैं फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ और सबको जितनी भी मेरे पास जानकारी है मैं देता रहता हूँ। तो आप लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लगने वाला पौधा है ये अपने घर पे, अपनी छत के ऊपर, अपने टेरेस पे। तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।